एनिमल एक्टिविस्ट बनाइए, उनकी पैरवी करिए, लेकिन एक्टिविज्म के नाम पर उत्पात मत मचाइए। इंसानों का को पीटिए मत। फिलहाल आगरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एकदम उलट है। यहाँ डॉग्स को लेकर विवाद हुआ तो एक महिला ने गार्ड की डंडे से पिटाई कर दी। जवाब में गार्ड ने महिला को अपशब्द कहे, अपशब्द का इस्तेमाल किया, गालियां बकी, साथ ही ये भी कहा कि महिला हो इसके लिए हाथ नहीं उठा सकते। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरा में एक महिला टीचर ने गार्ड को डंडों से पीटा। महिला ने आगरा LIC आवासीय परिसर में तैनात पूर्व सैनिक गार्ड को पीटा और गालियां दी। गार्ड ने गालियों का जवाब गालियों से दिया, लेकिन ये भी कहा कि महिला हो इसके हाथ नहीं उठा सकता। दरअसल विवाद डॉग्स को लेकर हुआ था। महिलाओं ने गार्ड पर जानवरों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। गाली किसने स्टार्ट करी थी और डंडे किसने मारे, आप जान रहे हो ना? वीडियो में दिख रहा है कि महिला टीचर किसी से फोन पर बात करते हुए गार्ड के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कह रही है। गार्ड अपनी सफाई देता नजर आ रहा है, साथ ही महिला की गालियों पर जवाब दे रहा है। महिला टीचर का वीडियो वायरल हो गया। महिला टीचर की अभद्रता और मारपीट करने पर गार्ड ने वीडियो बना लिया और पुलिस से शिकायत कर दी। महिला टीचर ने भी गार्ड का वीडियो बनाया। आगरा की आरोपी महिला प्रीलियुड पब्लिक स्कूल की टीचर वो अपनी सुरक्षा में उन कुत्तों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा था, तो उसी समय किसी ने, यहाँ एक लड़की रहती है, उसने किसी को फ़ोन कर दिया और उसी समय दो तीन महिला आईं और उस गार्ड के साथ, जो मुझे पता लगा है, अभद्रता की गाली। वो उस महिला ने बहुत गंदी हरकत की थी और हम तो एकदम से सकते में आए, समझ में नहीं आए। हम यहाँ से देख रहे थे और बारिश भी हो रही थी। हमें बाद में अफसोस हुआ कि हमें नीचे आके अपने गार्ड को बचाना चाहिए था। नहीं, मतलब एक तरीका होता है बात करने का, आप आराम से बात कीजिए तो हम समझेंगे। मतलब आते ही आप डंडे बरसाने लगे और उन्होंने अपना जो वीडियो वायरल किया उसमें वो बोल रही है कि भाई गार्ड पिए हुआ था। एक बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। और हमारे जो पूर्व सैनिक के साथ जो जिस तरीके से अभद्र व्यवहार, गालियों का उपयोग किया गया, वो बहुत ही शर्मिंदगी और दुखद है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।